हाय एवरीवन, आज मैं आपको वाइट एग प्लांट की रेसिपी बता रही हूँ जो बहुत झटपट बन जाती है और आजकल ये मार्केट में बहुत आए हैं। छोटे छोटे से होते हैं, बहुत खूबसूरत लगते हैं ये। इनको हम पहले सेक रहे हैं, यानी कि ये इसमें सेक के गल जाएंगे, फिर हम इसकी इसका भुर्ता बनाएंगे। तो ये देखें, अब जो हमने वाइट बैगन लिए हुए थे वो हमने तवे पे इनको हमने पका लिया था, सही ना, रोस्ट कर लिया था इनको हमने। उसके बाद हमने इनको मैश कर दिया। आप कांटे की मदद से कर सकते हैं, ये बिल्कुल इस तरह के मैश हो जाते हैं, सही है, क्योंकि मैश करने से ज़रूर कि ये हमारा भरता बन रहा है वाइट बैगन का। और अगर आप इसकी जगह पर्पल बैगन लेती हैं तो वो भी आप चूल्हे पे सेक सकती हैं। उसके बाद क्या आपको जो है उसकी स्किन उतारनी पड़ेगी। इसकी मैंने स्किन नहीं उतारी है क्योंकि ये है ही भाई ऑलरेडी वाइट, तो सही है। तो अब मैं आपको आगे इसका प्रोसेस बताती हूँ। ये मैंने 3 टेबल स्पून ऑयल ले लिया है और इसमें जो है अब मैं ये 1 अदद प्याज डाल रही हूँ, थोड़े से बड़े साइज के। अब हम इसे प्याज डाल देंगे तो हम इसमें ये 1 टीस्पून जो है ज़ीरा भी डाल देंगे। अब हमने इसको जब तक पकाना है, जब तक ये गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाती, जब तक हम इसको पकाएंगे। चलें, अब ये देखिए हमारी जो है ये गोल्डन ब्राउन हो गई है। जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए, जब तक आपको दूसरे मसाले इसमें नहीं डालने हैं। अब हम इसमें डाल रहे हैं पिसा हुआ अदरक लहसुन 1 टेबल स्पून। इसको थोड़ा सा भूनेंगे, थोड़ी सी आँच हल्की कर दें, बहुत तेज़ हो गई आँच इसकी, हल्का सा भून के इसको हम बाकी सारे इसमें हम मसाले डाल दिए। देखिए मैं रेड चिली पाउडर डाल रही हूँ इसमें, 1 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा है, ये भी 1 टीस्पून है। हल्दी पाउडर सॉल्ट लिया हुआ है, हमने नमक लिया हुआ है इसमें, ये भी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आपको डालना है। ये हम थोड़ा सा भूनेंगे पहले इसको, मसाला भून रहे हैं, थोड़ा सा भूनना है, ज़्यादा नहीं, जल ना जाए। ये 2 अदद हमने टमाटर लिए हैं, इनको हमने चॉप कर लिया है और इसको हम इसमें डाल दिया। अब इसको हम पकाएंगे जब तक ये टमाटर बिल्कुल सॉफ्ट नहीं हो जाते। चलिए देखिए हमारे टमाटर बिल्कुल सॉफ्ट हो गए, भुन रहे हैं। अब मैं थोड़ा सा इसमें कड़ी पत्ता डाल रही हूँ और ये मैंने 2-3 हरी मिर्चें लेके उनको काट लिया है, ये डाल रही हूँ। और ये मैंने आधी कटोरी दही लिया हुआ है, सही है, ये मैं डाल दूँगी इसके अंदर। हमारा जो है पहले मसाला रेडी हो जाएगा भरते के लिए। चलिए देखिए हमारा मसाला बहुत अच्छी तरीके से भुन गया है। अब जो मैंने ये बैगन मैश करके रखे हुए हैं वाइट बैगन, ये मैं इसमें डाल दूँगी। ये बहुत मज़े का भुर्ता बनता है, आप जरूर ट्राई कीजिएगा घर में, ये बहुत अच्छा बनता है, बहुत मज़े का। और इसे मैं सब मिक्स कर रही हूँ, बहुत झटपट की रेसिपी है ये, बहुत जल्दी बन जाता है ये। अच्छा, ज़रूरी नहीं ये बात मैं आपको बता दूँ कि बता, अगर आपके पास वाइट बैगन नहीं है तो वाइट बैगन को तो एक सीज़न होता है, ठीक है, जैसे आजकल आए हैं, लेकिन जैसे पर्पल होते हैं हमारे पास वो आप ले सकते हैं, गोल वाले भी होते हैं, लंबे वाले भी होते हैं, आम बैगन जो होते हैं हम लोग के पास, उसका भी आप बना सकते हैं, लेकिन बस उसकी आपको स्किन उतारनी है, सही ना, उसको बेक करने के बाद। बेक करने के लिए आप अपने ओवन में भी बेक कर सकते हैं, बहुत अच्छे बेक हो जाते हैं, चूल्हे पे भी कर सकते हैं, तवे पे भी रख के कर सकते हैं। और ये जो हम इसके लिए ये है कि इसके साथ हम मैं जो रोटी जो होती है इसके साथ, आप देसी रोटी बहुत अच्छी लगती है, जौ के आटे की जो है रोटी बहुत अच्छी लगती है, ये 2-3 चपाती हैं जो सब बहुत अच्छे लगते हैं। अभी देखिए तकरीबन हमारा जो है भुर्ता तैयार है, इसमें ये पिसा हुआ गर्म मसाला डाल रही हूँ मैं, थोड़ा सा इसको मिक्स कर दूँगी, ठीक है, ज़्यादा नहीं डालना है, बस थोड़ा सा डालेगा खुशबू के लिए। और अब हम लास्ट में इसमें जो डालेंगे तैयार है, और फिर हम ये धनिया की पत्तियाँ इसमें डाल देंगे। हमारा भुर्ता तकरीबन पूरा ये रेडी है। चलिए ये देखिए हमारा जो है वाइट बैगन का भुर्ता रेडी है। आप लोग ज़रूर ये घर में ट्राई कीजिएगा, यकीनन आपको बहुत पसंद आएगा। और अब मैं ये देखूंगी कि आप मुझे इसमें कितने मार्क्स देते हैं, तो इसलिए आप मुझे लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और मार्क्स ज़रूर दीजिएगा मुझे कि आप इसमें कितने देते हैं और आपको कितना पसंद आया है ये। चाहिए, अल्लाह हाफिज़।